हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम HTML5 के BDI और BDO टैग के बारे में जानेंगे और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये HTML5 का एक सीरीज़ चल रहा है जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको देखना है सारे वीडियोज़ तो जाके HTML5 के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। पहले हम BDI टैग के बारे में जानेंगे। तो BDI टैग को बाई डायरेक्शनल आइसोलेट एलिमेंट भी कहा जाता है। जैसे कि किसी भी वेबसाइट पर बहुत सारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा होता है, जैसे कि कोई ब्लॉग साइट है तो उसमें हमें बहुत सारे ब्लॉग आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम किसी भी आर्टिकल के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बाकी के पूरे आर्टिकल के साथ दूसरा डायरेक्शन देना चाहिए, यानी कि उसको राइट टू लेफ्ट या तो लेफ्ट टू राइट अगर दिखाना चाहे तो वो भी हम दिखा सकते हैं इस BDI टैग का यूज़ करके। और ये जो BDI टैग है दोस्तों, ये ग्लोबल और इवेंट दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ ये जो टैग ये न्यूली HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये हमें HTML में देखने को नहीं मिलता था। और ये जो टैग है दोस्तों, ये अरेबिक और हिब्रू ये दो लैंग्वेजेस के टाइम यूज़ किया जाता है। जैसे कि सपोज हम कोई भी इंग्लिश या तो हिंदी हो गया तो ये लैंग्वेजेस को हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, लेकिन ये अरेबिक और हिब्रू जो लैंग्वेज है ये राइट से स्टार्ट होता है और लेफ्ट तक जाता है। तो इसको लिखने के लिए हम BDI टैग का मेनली यूज़ करते हैं। अगर इसके सिंटैक्स का बात करें तो यहाँ पर हमें इसका क्लोजिंग टैग मिलता है और एक ओपनिंग टैग, इन दोनों के बीच में हमें कंटेंट को लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बॉडी टैग के अंदर पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग के अंदर, और पैराग्राफ को स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर भी लिखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए जो पैराग्राफ है ये पूरा लिखा हुआ है, तो BDI टैग का यूज़ किया गया है बीच में। तो यहाँ देखिए ये लैंग्वेज को हम लेफ्ट टू राइट दिखाने के लिए हमने BDI टैग का यूज़ किया है। और BDI टैग के अंदर मैंने एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, ये एक CSS प्रॉपर्टी है। यहाँ पर कुछ इस तरह से BDI टैग को यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे BDO टैग को। तो जो BDO टैग होता है ये बाई डायरेक्शनल ओवरराइड भी इसे कहा जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो BDO टैग होता है ये किसी भी कंटेंट को लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट दिखाने में यूज़ होता है। डीड नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, इसमें हमें दो वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ता है, LTR और R2L। तो LTR मतलब दोस्तों लेफ्ट टू राइट और RTL मतलब राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पर आपको BDO टैग ग्लोबल और इवेंट दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करता है। अब अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जहाँ पर BDO डीड एट्रीब्यूट यूज़ करके उसके अंदर हमें LTR और RTL यूज़ करना पड़ता है और बीच में कंटेंट लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखा रहा हूँ BDO टैग का। तो यहाँ पर पहले वाले एग्जांपल में मैंने डीड जो एट्रीब्यूट है इसका RTL वैल्यू दिया है और दूसरे वाले में डीड एट्रीब्यूट का LTR वैल्यू दिया है। तो मेक इट ओवर, तो कुछ इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।